पुष्पा के प्रोड्यूसर्स के घर पर आईटी ने मारी रेड। अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज, 15 अलग अलग ठिकानों पर होगी छापेमारी, कंपनी में विदेशी फंडिंग होने का शक। इनकम टैक्स विभाग ने सोमवार को ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा बनाने वाली तेलुगु प्रोडक्शन कंपनी मैत्री के खिलाफ कई ठिकानों पर छापेमारी की है। आईटी अधिकारियों को शक है कि इस प्रोडक्शन कंपनी में एनआरआई लोगों ने निवेश किया है। बड़ी खबर आ रही है, शक के आधार पर अब इनकम टैक्स ने कंपनी के 3 मालिक यल मंजली रविशंकर, नवीन अरनेनी, चेरुकुरी मोहन के आवास पर 15 ठिकानों पर रेड डाली है, जो शाम तक चलेगी। बता दें कि फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले पुष्पा समेत रंगस्थलम और श्री मुथुडू जैसी साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्में बन चुकी हैं। आईटी के अधिकारियों के अनुसार टीम अलग अलग राज्यों से पहुंच चुकी है। बता दें आपको कि सुबह सुबह मैत्री ऑफिस में पहुंच गए, छापेमारी शुरू हो गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस रेड के लिए कोई बयान जारी नहीं हुआ था, लेकिन अफसरों को शक है कि फिल्म प्रोडक्शन में फॉरेन फंडिंग हुई है। इसके तहत कई फिल्में बनी हैं। इस प्रोडक्शन हाउस में हाल ही में चिरंजीवी, बालकृष्ण, पवन कल्याण जैसे एक्टर्स को भारी फीस दी और कई बड़े प्रोजेक्ट भी साइन कराए गए हैं। बता दें आपको कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी पुष्पा पार्ट 1, पुष्पा 2 भी बनने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले लाइगर के मेकर्स पर पड़ी थी ईडी की मार। पुष्पा फिल्म के लेकर आ गई बड़ी अपडेट, जी हाँ, डायरेक्टर को कर लिया जाएगा गिरफ्तार, ऐसी खबरें आ रही हैं निकलकर। बताया जा रहा है कि अब पुष्पा के मालिक पर भी पड़ गई है रेड। क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।